प्रेक्षक मित्रों, प्रमुख स्वामी महाराज ने संगीत को कीर्तन भक्ति का रूप देकर हजारों बाल, युवा, बुजुर्गों को भक्ति मार्ग पर प्रेरित किया था। इसीलिए आज उनके जन्म शताब्दी अवसर पर 10 से अधिक देशों में से आए हुए 170 से भी अधिक बाल युवा कलाकारों के द्वारा आज की मुख्य सभा में कीर्तन आराधना की प्रस्तुति की गई थी। आइए हम भी लाभ लेते हैं उस भव्य दिव्य कीर्तन आराधना का। આજની સંધ્યા ઉત્સાહ અને ઉમંગથી ભરપૂર છે। આજની સંધ્યા સ્વામીની સ્મૃતિઓથી ભરપૂર છે। આજની સંધ્યા સુમધુર સંગીતથી ભરપૂર છે, જેમાં 10 દેશોના 170થી વધુ બાળ યુવાનો કીર્તન ભક્તિ દ્વારા પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના ચરણે ભક્તિ અર્ઘ્ય અર્પણ કરવાના છે। આ ભવ્ય બાળ યુવા કીર્તન આરાધનાની શરૂઆત મંગલાચરણ અને ધૂનગાનથી કરીએ। प्रमुख स्वामी के जीवन जाह्नवी को मैंने देख करके मुझे लगा कि वह एक ऐसे संत थे जिनके जीवन में भजन की प्रधानता थी, धन की प्रधानता नहीं थी। वहां भगवान थे और भगवदीय थे। प्रमुख स्वामी कहते थे, हरिने भजो अने हरिने भजावो। भगवान को भजो और लोगों से भी भगवान का भजन कराओ। उनका संग मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, भगवत विमुख का संग व्यक्ति को कष्ट देता है और भगवत सम्मुख का संग व्यक्ति को आनंद देता है। जिनका जीवन भगवान में रम जाता है, उनके एक क्षण का भी संग इतना सुखद होता है कि उसकी तुलना स्वर्ग और मोक्ष से भी नहीं की जा सकती।
प्रमुख स्वामी से मिलकर मुझे वही अनुभूत हुई थी। प्रमुख स्वामी जी के जीवन में तीन विशेषताएं मैंने देखी थी, जिनकी चर्चा एक ही संस्कृत श्लोक में की गई है, वदनम प्रसाद सदनम सदयम हृदयम सुधा मुचो वाचः करणम परोपकरणम येषाम केषाम नते वंद्याः। वदनम प्रसाद सदनम, जिनका मुख प्रसन्नता का घर है, जिनके मुख पर निरंतर प्रसन्नता खेलती रहती है, सदयम हृदयम, जिनका हृदय करुण होता है, सुधा मुचो वाचः, जिनकी वाणी अमृत का वर्षण करती है, करणम परोपकरणम, जिनका कार्य केवल परोपकार ही होता है, ऐसे लोग किनके बंधनीय नहीं हो सकते। प्रमुख स्वामी में चारों गुण थे। मुख पर मीठी मीठी मुस्कुरान, हृदय में करुणा, इसे न जाने कितने शिक्षण संस्थान खोले उन्होंने। बोलते बहुत मधुर थे, गुजराती बोलते थे, पर इतना मधुर कि लगता था कि सांभरताज रही इमने जी कहे थे, इतलू सरस बोलता था, इतलू सरस, मधुर मधुर, मीठू मीठू, सुंदर शब्द विन्यास, सहजता सहज शब्द विन्यास, और करणम परोपकरणम, जिनका कार्य दूसरों के लिए होता था, सब कुछ उन्होंने दूसरों के लिए किया। हम सभी प्रमुख स्वामी की शताब्दी महोत्सव में आए हैं, आज कुछ लेकर जाएं। Swami Maharaji has brought the happiness and love in the lives of millions of people. Thousands of volunteers are working this as a devotion to God. So, as a devotee, I congratulate all these volunteers and the planning committee members for their contribution. This has indeed made the atmosphere very divine. આજે બાળકો યુવકોએ સુંદર કીર્તન ભક્તિ રજૂ કરી. યોગીજી મહારાજ કહેતા કે કીર્તન ભક્તિ એ મારું અંગ. જો તમે યોગી અપાના અંગમાં સામેલ થઈ ગયા એટલે આ કીર્તન ભક્તિથી તેઓ ખૂબ રાજી થતા હશે. બાળકો યુવકો આવું કંઈક રજૂ કરે તો યોગી અપા તેઓને ખૂબ આશીર્વાદ આપતા, ઇનામ પણ આપતા. બાળકો યુવકોમાં ઘણી શક્તિ છે, શક્તિ છે. તેને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે
યોગ્ય દિશામાં વિકસાવીએ. દિશાઓ તો ઘણી બધી હોય, પણ યોગ દિશામાં જે રીતે જવું જોઈએ આ કીર્તન શક્તિ એ રીતે વિકસાવી, તેને પ્રમુખ સ્વામીમાં જ યોગ દિશા હોય. તેનું સુંદર પરિણામ આજે આપણે આ કીર્તન ભક્તિ દ્વારા જોયું. આમાં સંતો અને કાર્યકરોની પણ ઘણી મહેનત છે, ખાલી કીર્તનિયા નહીં પણ કાર્યકર જે તમને શીખવાડે છે, જે મહેનત કરીને તમે આગળ લાયા, એ બધાનું પણ યોગદાન છે. તમે બધા મળીને આ સુંદર કાર્યક્રમ રજૂ કર્યો. प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव में मनाया गया 18वां दिन. तो अपडेटेड रहिएगा हमारे साथ नगर टुडे कार्यक्रम में, हम आपको बताते रहेंगे इस महोत्सव में हो रही प्रत्येक घटनाएं. तो कल फिर मिलेंगे यही समय यही जगह पर. तब तक के लिए आप सभी को हमारा सादर प्रणाम. जय स्वामीनारायण.